हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम बैक टू कैड स्टाइलर्स सॉलिड वर्क्स ट्यूटोरियल सीरीज। सो फ्रेंड्स, आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे ड्राफ्ट एंगल के बारे में। ठीक है, सो ड्राफ्ट एंगल किस लिए हम यूज करते हैं और उसे किस तरह से अप्लाई करते हैं और कहाँ ये यूज होता है, ठीक है, सो वो आज हम देखेंगे और उसकी हेल्प से हम आज एक मर्सिडीज का लोगो बना के देखेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं ड्राफ्ट क्या चीज है, ठीक है, किस तरह से ड्राफ्ट को अप्लाई करते हैं हम। सो रफली हम देख लेते हैं एक बार। एक मुझे सिलेंडर चाहिए, उसके लिए मैं एक सर्कल बना लेता हूँ यहाँ पे और उसी को मैं एक्सट्रूड कर लूंगा। रफली जनरेट कर रहे हैं, समझ के देखेंगे कि ड्राफ्ट एंगल है क्या। ठीक है, इस तरह से हमारे पास हम इसकी हाइट ले लेंगे और ये मेरे पास एक सिलेंडर हो गया। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्राफ्ट अप्लाई करेंगे। तो जैसे मैंने ड्राफ्ट पे क्लिक किया, हमारे पास विंडो ओपन हो गई है, पूछ रहा है आइटम्स टू ड्राफ्ट। ठीक है, सो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, न्यूट्रल फेस। कौन सा न्यूट्रल फेस होगा, आप ये वाला सिलेक्ट कर सकते हो या फिर ये वाला सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और देन नेक्स्ट विंडो में क्या पूछ रहे हैं, फेसेस टू ड्राफ्ट, किस फेस को आप ड्राफ्ट करना चाहते हो। अब मेरे पास सिलेंडर है तो एक ही फेस आएगा, सर्कुलर। ठीक है, सो अगर आप देखें 1 डिग्री का ड्राफ्ट एंगल है। सो मैं यहाँ पे अप्लाई करके अगर देखूं तो मेरे पास आप देख सकते हैं ये डाउनवर्ड साइड मेरा अप्लाई हुआ। अगर मैं इसे ओके करूं और यहां से इसे नॉर्मल करके देखूं तो आप देख सकते हैं, ये मेरा आउटवर्ड साइड ड्राफ्ट हुआ है। ठीक है, मेरा जो मेन डाया था वो था ये वाला सिलेंडर का मेन डाया था, बट जो डाउनवर्ड साइड है वहां पे डाया इंक्रीज हो गया, 1 डिग्री एंगल वो ड्राफ्ट हो गया। ठीक है, और इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे एडिट करूं, सो अगर मुझे मान लीजिए यहाँ पे चेंज करना है कि मुझे आउटवर्ड नहीं चाहिए, मुझे इनवर्ड चाहिए, तो मैं फेस का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दूंगा। सो यहाँ पे ये इनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, सो आप देख सकते हैं मेन फेस मेरा ये वाला था और उसके ऑपोजिट जो है वो इनवर्ड हो गया है। ठीक है, और यहाँ से आप एंगल भी चेंज कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे 5 डिग्री का एंगल ले लेता हूँ। सो इस तरह से आप इसका ड्राफ्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं, इस तरह से इसे टेपर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो ड्राफ्ट फ्रेंड्स कहाँ यूज होता है, जब भी हम मोल्ड वगैरह बनाते हैं, डाइज वगैरह बनाते हैं, कास्टिंग करते हैं, तो कास्टिंग में जब हमें हमारे मटेरियल को मोल्ड को निकालना होता है, सो हम अपने मोल्ड को वहां पे ड्राफ्ट एंगल देते हैं। ठीक है, ताकि वो इजीली हमारा जो है बाहर निकल जाए, तो इस वजह से हम ड्राफ्ट एंगल देते हैं। ठीक है, सो ड्राफ्ट एंगल यहाँ पे यूज होता है। तो डिजाइन में भी हम यहाँ पे ड्राफ्ट एंगल देते हैं, पहले तो उसका डिजाइन ही होता है, इसीलिए हम यहाँ पे ड्राफ्ट यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमारे पास ड्राफ्ट एंगल की एक ऑप्शन दे रखी है। ठीक है, सो इस तरह से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ड्राफ्ट एंगल को। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये ड्राफ्ट एंगल अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आइए न्यू विंडो में हम मर्सिडीज का लोगो बना के देखते हैं किस तरह से लोगो बनाते हैं हम। ठीक है, सो मेरे पास एक प्लेन है, इसके हम स्केचिंग में ऑन कर लेंगे और यहाँ पे हमारे पास डायमेंशंस दे रखी हैं लोगो की। एक मेरे पास डाई दे रखा है 22.22 का, एक मेरे पास 20 का डाई दे रखा है और एक मेरे पास रेडियस दे रखा है 8.94 का। सो ये तीन सर्कल मेरे पास दे रखे हैं और यहाँ पे मेरे पास हाइट भी दे रखी है कि कितना उसे एक्सट्रूड करना है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या दे रखे है, मेरे पास 1.20 हाइट दे रखी है। सो फ्रेंड्स, इसको बनाएंगे किस तरह से वो देखते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा सर्कल आएगा सबसे पहले, उसका डाया है हमारे पास 22.22, ओके कर दें इसे। और देन इसी प्लेन पे एक और प्लेन जनरेट करूंगा मैं और उसकी हाइट रखेंगे हम 1.2 mm, ओके। देन इसी स्केच पे, इसी प्लेन पे हम एक और स्केच बनाएंगे और उसका जो हमारा डाया होगा वो कितना होगा, 20 mm। ठीक है, सो इस तरह से हमारे पास ये दो सर्कल क्रिएट हो जाएंगे प्लेन पे। ओके, सो फ्रेंड्स आप यहाँ पे लॉफ्ट भी कर सकते हो और ड्राफ्ट भी कर सकते हो, तो मैं दोनों तरीके से आपको इसको बना के दिखाता हूँ। सो लॉफ्ट करेंगे, सिलेक्ट द स्केचेस बॉटम एंड अपर। सो आप देख सकते हो इस तरह से आपके पास ये बॉडी क्रिएट हो जाएगी। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको हम ड्राफ्ट एंगल से बना के देखते हैं। सो मेरे पास ये बॉटम स्केच है, इसे हम एक्सट्रूड करेंगे
अप टू 1.2 mm, ओके। और इसे हम ड्राफ्ट एंगल भी दे देंगे, या फिर आप अप टू वर्टेक्स भी कर सकते हैं यहाँ से इस वाले स्केच को सिलेक्ट करके, बट हमारे पास हाइट दे रखी है तो हम हाइट ही सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम ड्राफ्ट एंगल दे सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे 5 डिग्री का ड्राफ्ट एंगल दे रहा हूँ। सो आप देख सकते हैं हल्का सा यहाँ पे हमारे पास टेपर आया है, सो हम इसे इंक्रीज करेंगे। लाइक मैं यहाँ पे 15 mm का कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फिर ये बेंड हुआ है, देखिए आपका जो बेंड है वो इंक्रीज होता जा रहा है। सो मैं इसको और इंक्रीज कर देता हूँ, 30 mm तक इंक्रीज कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं बेंड और इंक्रीज हुआ है, बट मुझे ये स्केच तक चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 50 mm तक कर रहा हूँ, सो ये बियॉन्ड जा रहा है स्केच के, तो थोड़ा सा मैं इसको बैकवर्ड करूँगा, तो यहाँ पे वैल्यू कम करके देख सकते हैं आप थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पे मैं अगर वैल्यू देखूँ 43 तक, तो ये एग्जैक्ट आएगा। अगर मैं 42 कर दूँ, 42.5 करते हैं, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। ओके, सो इस तरह से आप ड्राफ्ट एंगल से भी बना सकते हो और लॉफ्ट से भी बना सकते हो। सो बेस्ट पार्ट क्या है आपके पास, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप लॉफ्ट से भी बना सकते हो। सो हम लॉफ्ट से इसे क्रिएट कर लेते हैं, तो दोनों स्केच को सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आपके पास क्रिएट हो जाएगा। देन इसके बाद हमें क्या करना है, अभी कट करना है, बिकॉज अंदर से मेरे पास ये खाली है और हमें वो ब्लेड भी बनाने हैं। सो क्या करेंगे, अभी हम इसी प्लेन पे एक स्केच और बनाएंगे। सो इसका रेडियस हमारे पास कितना था, 8.94। सो डाया कितना हो जाएगा, 8.94 मल्टीप्लाई टू, आप यहाँ पे फॉर्मूलाज भी लिख सकते हैं, तो आपकी वैल्यूज जो है वो एग्जैक्ट आ जाएगी। ओके, सो आपको कैलकुलेटर यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं है, आप डायमेंशंस में ही कैलकुलेटर अप्लाई कर सकते हो, या इसकी डायमेंशंस में फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हो, तो वो इजिली कैलकुलेट करके आपको डायमेंशंस दे देगा, ये ऑटोकैड में नहीं होते, ठीक है, बाकी सॉफ्टवेयर्स में ये चीज अवेलेबल रहती है। सो इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा स्केच यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉफ्ट कट करेंगे। सो स्केच आ गया हमारे पास, और ये वाला एक फेस सिलेक्ट कर लेंगे। सो इस तरह से आपके पास ये लॉफ्ट कट आ जाएगा, और ये हमारे पास बॉडी भी आ जाएगी इसकी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्लेड क्रिएट करने हैं। सो ब्लेड के लिए हमारे पास अगेन वही फेस आएगा, और यहाँ पे हम एक सर्कल क्रिएट कर लेते हैं, जिसका डाया हमारे पास यहाँ पे दे रखा है 3.4 mm। ओके, सो यहाँ पे हम इसका डाया कितना लेके चलेंगे, 3.4 mm। सो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन क्रिएट करेंगे। सो आपने इस लाइन को यहीं तक रखना है, ताकि वो इसके साथ एक्सट्रूड हो, मर्ज हो जाए, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, टेंजेंट एक लाइन इसके साथ ज्वाइन करनी है, और इसे आप टेंजेंट भी कर लीजिएगा। कर देंगे, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एक लाइन। तो मुझे ये करना है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना है कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे क्या करेंगे, टेंजेंट कर देते हैं इस सर्कल के साथ, तो ये टेंजेंट हो जाएगा, और मेक श्योर कि आपकी लाइन जो है वो स्ट्रेट, और यहाँ से हम इसे एक्सटेंड कर देंगे, और एक्स्ट्रा पार्ट जो है हमारे पास उसको हम ट्रिम कर देंगे। सो हमारे पास सर्कल भी एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसे आप डायरेक्टली रिमूव कर दीजिए, तो इस तरह से आपके पास ये ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद क्या करेंगे, हम इसे एक्सट्रूड करेंगे, एक्सट्रूड इट अप टू 1.2 mm। सो इसको डिफॉल्ट ही रहने दीजिए, और इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी ड्राफ्ट एंगल अप्लाई करेंगे। सो ड्राफ्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसका बॉटम फेस हमें चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ड्राफ्ट अप्लाई करेंगे। और ड्राफ्ट एंगल है हमारे पास वो कितना रहेगा, यहाँ पे नियर अबाउट 50 तक रहेगा। और यहाँ पे फेसेस पूछ रहे, तो फेसेस कौन से होंगे, ये वाला हो जाएगा, ये वाला फेस हो जाएगा, और ये वाला फेस हो जाएगा। सो इसको ओके करके देखते हैं क्या ड्राफ्ट एंगल आता है। देखिए ऑपोजिट हो गया मेरे पास ये, ना ठीक है।
इसका जो फेस है उसकी डायरेक्शन मुझे चेंज करनी पड़ेगी, और इसे ओके करके देखेंगे तो इस तरह से आपके पास ये ड्राफ्ट यहाँ पे टिक पर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सो ड्राफ्ट जो अभी इनकम्प्लीट है मेरे पास, तो इसका ड्राफ्ट एंगल हम थोड़ा सा इंक्रीज करके देखते हैं, बिकॉज मेरी ये जो एज है बिल्कुल शार्प चाहिए मुझे, ये वाली जो एज मेरे पास आ रही है कॉर्नर बिल्कुल शार्प चाहिए। सो यहाँ से हम और इंक्रीज करते हैं 55 तक लेके देखते हैं, सो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। सो इस तरह से आप इसे ड्राफ्ट एंगल दे सकते हैं, और अब मेरे पास ये ब्लेड बन गया। अब मुझे क्या करना है, इसे सर्कुलर पैटर्न करना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक एक्सिस चाहिए। सो एक्सिस कौन सी होगी, इस सर्कुलर के सेंटर की एक्सिस होगी। सो ये सेंटर पे एक्सिस आ रही है, देन यहाँ पे हमारे पास सर्कुलर पैटर्न आ जाएगा। सो सर्कुलर पैटर्न में आप देख सकते हैं डिफॉल्ट हमारे पास 3 आइटम्स यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और मुझे यहाँ पे फीचर और फेसेस सिलेक्ट करने हैं। सो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, मेरे पास एक बोस्ट एक्सट्रूड है और एक मेरे पास ड्राफ्ट एंगल जो मैंने यहाँ पे उसको अप्लाई किया था। सो ओके करके देखते हैं हमारे पास क्या चीज आ रही है। देखिए क्या पूछ रहे हैं, द सिलेक्टेड फीचर कुड नॉट बी पैटर्न्ड यूजिंग ए ज्योमेट्री पैटर्न। सो यहाँ पे ज्योमेट्री पैटर्न ऑफ करना पड़ेगा मुझे। सो आप देख सकते हो कि ये ज्योमेट्री पैटर्न के साथ में मेरे को एरर ही दे रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे फुल प्रीव्यू करूँ तो फुल प्रीव्यू यहाँ पे नहीं दिखा रहा, पार्शियल थोड़ा सा दिखाएगा, फुल प्रीव्यू में ये मेरे को नहीं दिखाएगा। फुल प्रीव्यू में क्या होता है, आपको एग्जैक्ट दिखाता है कि आपकी जो कमांड है वो प्रॉपर अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, तो फुल प्रीव्यू आप हमेशा ऑन रखिएगा, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है मेरे को। सो ये एरर हमें कहाँ से सेट करना है, ये एरर कहाँ से रिमूव होगा, हमने ये जो ब्लेड एक्सट्रूड किया था इसे हम एडिट करेंगे और यहाँ से मर्ज जो रिजल्ट हमारा है उसे ऑफ कर देंगे, हमें ये मर्ज नहीं चाहिए, ठीक है। सो जैसे ही आप इसे अगेन सर्कुलर पैटर्न अप्लाई करेंगे और यहाँ पे एक्सिस सिलेक्ट कर लीजिए, और 3 आइटम्स यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बोस एक्सट्रूड सिलेक्ट हो गया, और मुझे ड्राफ्ट भी यहाँ पे देना है, ओके कर देंगे। सो ओनली मर्जिंग फीचर्स मे बी पैटर्न। सो ज्योमेट्रिक पैटर्न यहाँ पे ऑन करेंगे, ओके करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये चीज आपके पास कंप्लीट हो जाएगी, ओके। सो इसके साथ यहाँ पे एक फिलेट भी है, फिलेट भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सो फिलेट आपको मिनिमम रखनी है, 0.1 तक रख लीजिए, इनफ है। सो इस तरह से आप यहाँ पे फिलेट भी अप्लाई कर सकते हैं, और इन द एंड आप यहाँ पे इसका रेंडर भी निकाल सकते हैं। सो रेंडर के लिए आपको जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, एडिंग्स में चले जाएंगे और फोटो व्यू 360 में चले जाएंगे, इसे ओके कर देंगे, और जैसे आप इसे ओके करेंगे तो यहाँ पे रेंडर टूल्स ऑन हो जाएंगे। आप डायरेक्टली इसको इस तरह से भी विंडो के ऊपर भी इसका रेंडर निकाल सकते हैं, ठीक है, जो आपको विजिबल हो रहा है आप इसका भी डायरेक्टली रेंडर निकाल सकते हैं। सो इसका स्क्रीन जो है इसको स्क्रीन पे थोड़ा सा अच्छे से सेट कर लीजिए, और उसके बाद इसका रेंडर फाइनली आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। सो कंटिन्यू विदाउट कैमरा और पर्सपेक्टिव। सो फाइनली रेंडर जो आपका इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने पहले देखा ड्राफ्ट एंगल किस तरह से अप्लाई करते हैं, ड्राफ्ट एंगल का यूज कहाँ पे होता है, और उसके बाद हमने देखा कि हम इसको लॉफ्ट से भी बना सकते हैं और ड्राफ्ट एंगल भी दे सकते हैं। सो ड्राफ्ट एंगल जो है अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं, उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा यहाँ पे कि सर्कुलर पैटर्न किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। सो सर्कुलर पैटर्न में हमारे पास क्या क्या एरर्स आए, उसको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं वो भी हमने देखा। आप यहाँ पे रिजल्ट को मर्ज ऑफ कर सकते हैं, तो उसके बाद आपका जो सर्कुलर पैटर्न है वो इजीली अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आप यहाँ पे इस लोगो को क्रिएट कर सकते हो, ओके फ्रेंड्स। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। So that's all for today. Thank you so much for watching this video. Thank you so much.